तारीख है, 4 तारीख, हमें सरकार ने 4 तारीख का वादा किया था। देखें आप सरकार अपने वादे पे खरी उतरती है कि नहीं। जो अगर आज भी सरकार ने हमारा जो वादा पूरा नहीं किया तो हमारा आंदोलन लंबा खींचेगा। अभी तो हमने एक जगह कुछ करके दिखाया सरकार को, अब ये जगह जगह होगा। इसका फैसला सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जल्द से जल्द लेगी, क्योंकि हम पूर्व सैनिक शांतिपूर्वक जो धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांग भी हमारी छोटी सी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो है, इसको नियुक्त करे और वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे। तो हम तो अभी भी जो है सरकार में विश्वास लगाकर बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमसे वार्ता करेगी। देखें कल इलेक्शन हुआ, अब देखें कहीं सरकार कहीं खुशी है तो कहीं गम है। देखें अब सरकार हमें खुशी देती है या गम देती है। एकजुट रहें और भारी से भारी मात्रा में रहें, जंतर मंतर पर आएँ और अपना जो धरना धरने का मान बढ़ाएं, और सभी के सभी जो है ये ना सोचे, नेगेटिव ना सोचे कुछ भी। जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो एक दूसरे की टांग ना खींचे। सब नाम तो लेते हैं इसी धरने का हमारे, लेकिन साथ कोई नहीं। अगर अलग भी हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वे भी एकजुट रहें, अपनों की टांग ना खींचे। जय हिंद, जय भारत। हवलदार मान सिंह नौसलाई, आज हम भी यहाँ पे आए हैं अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। हमें सभी भाइयों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे पहुँचो, ताकि हमारा सरकार को पता चल सके कि इनका कोई संगठन है, जिसलिए हमारा भी कुछ हो सके। जेकर हम सभी भाई एक एक करके पीछे हटते जाएंगे तो एक दिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा और हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ ये हम कर रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम तो अपना पेट भर ही रहे हैं, हमारा तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के करने के लिए ही ये जो सबका सैनिक है ये संघर्ष कर रहे हैं। जेकर सरकार ने हमारी ना मानी तो हम इतना लंबा संघर्ष करेंगे कि एक दिन में ही सरकार को पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। जैसे कि उस दिन जिस दिन रेल बंद हुआ था, उसी दिन ही सरकार को कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा पता चला है कि ये सैनिक हैं जो, जेकर हम बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं तो हमारी जो अंदरूनी लड़ाई है उसको भी हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो सबका 3 जज की कमेटी है उसको सरकार हमारी बात माने और उसके साथ हमारी बैठ के बातचीत सुने और बातचीत बताए। हमारी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो हमारा हक है हम अपना हक ही मांग रहे हैं। हम सरकार से कुछ इतना ज़्यादा उससे कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है हम वही मांग रहे हैं जो हमारा बचा हुआ है।